Yes. Good morning, student. How are you? Welcome in the physical education class 11. Discuss with you chapter anatomy and physiology. What is anatomy? It is a branch of biology. It is dealing with human body structure. Or physiology means it is deals with human internal function and organs. जो ह्यूमन के इंटरनल फंक्शन है वो अंदर से काम कैसे करते हैं उसके बारे में बताती है आपकी फिजियोलॉजी और सेफ एंड स्ट्रक्चर के बारे में क्या बताती है आपकी एनाटॉमी एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी इट इज नॉलेज प्रोवाइडेड ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर नॉलेज अबाउट ह्यूमन बॉडी फंक्शन एंड सेफ एंड साइज और नॉलेज अबाउट एंड इंटरनल ऑर्गेन्स ओके और हम बात करें उसके डिफरेंट सिस्टम जिसके अंदर स्केलेटल सिस्टम रिलेटेड टू ज्वाइंट बोन एंड ज्वाइंट बोन टोटल बोन इन योर बॉडी 206 एंड टाइप्स ऑफ ज्वाइंट 3 टाइप्स इमोबल ज्वाइंट एंड फ्रिलेमोबल ज्वाइंट पार्ट्स ऑफ फ्रिलेमोबल ज्वाइंट हिंज ज्वाइंट पाइवेट ज्वाइंट एंड ग्लेडिंग ज्वाइंट स्टल ज्वाइंट पोल्स ऑफ द ज्वाइंट राइट हम ज्वाइंट हम कंप्लीट कर चुके नाउ वी विल स्टार्ट मस्कुलर सिस्टम सेकेंड टॉपिक मस्कुलर सिस्टम फर्स्टली इंट्रोडक्शन व्हाट इज मस्कुलर सिस्टम मीन रिलेटेड टू मसल्स मस्कुलर सिस्टम रिलेटेड टू मसल्स टोटल मसल्स इन योर बॉडी टोटल मसल्स फॉर टोटल मसल्स इन आवर बॉडी 639, right? अगर मसल्स की बात की गई तो आपकी क्या है 639. अगर बोन की अगर बात करते हैं तो आपका क्या है बोन 206, ओके? और उसी के अकॉर्डिंग जहां पर हम बॉडी वेट की बात करते हैं वेट ऑफ मसल्स इन अवर बॉडी 45%, जिसमें से आपका 100 में से 45% आपका क्या वेट है मसल्स का वेट है और अगर बात करते हैं इसी के अंदर वॉलंटरी मसल वेट वॉलंटरी मसल्स का वेट कितना होगा आपका 40%, टोटल कितना है 45 और आपका वॉलंटरी मसल्स का वेट कितना है आपको 40% और टोटल मसल इन बॉडी 639 और लॉन्गेस्ट मसल इन द बॉडी सार्टोरियस मसल लॉन्गेस्ट मसल इन द बॉडी सार्टोरियस मसल जो थाई के अंदर होती है और अगर बात करते हैं लार्जेस्ट या फिर सबसे चौड़े आकार की वो आपकी ग्लूट्स मैक्सिमस मसल जिसके अंदर में चौड़ा आकार ज्यादा लगेगा वो आपको क्या है ग्लूट्स मैक्सिमस जो हिप्स की मसल है लार्जेस्ट मसल ग्लूट्स मैक्सिमस और लॉन्गेस्ट सार्टोरियस टोटल मसल इन बॉडी 639 Yes, almost every single movement of human body, internal or external, it result of muscle contraction or lengthening of muscles. Means single से single movement. किसी भी प्रकार की अगर single movement होती body के अंदर responsible of muscles या फिर result का किसका है muscles का है. Muscles also assistant of circulation of blood और जो blood का circulation के अंदर help करती है आपका. Means जो बोल सकते हैं आप ब्लड सर्कुलेशन के अंदर आपका सर्कुलेटरी सिस्टम तो कंप्लीट हेल्प करते हैं आपका जो ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं ब्लड का सर्कुलेशन में हेल्प करते हैं आपकी मसल्स
दे प्रोटेक्ट ऑफ होल्ड ऑफ प्लेस ऑफ एब्डोमिन ऑर्गेन्स दे आल्सो गिव ऑफ सेफ ऑफ टू द इंडिविजुअल और एक हर इंडिविजुअल की गुड परसेंटेज गुड शेप में हेल्प करती है आपकी मसल्स। फॉर एग्जांपल अगर मसल्स की बात करते हैं हम जैसे एक 80% के लिए मीन कोई भी इंडिविजुअल वेट ट्रेनिंग करता हो वेट ट्रेनिंग के द्वारा अपने बाइसेप्स और ट्राइसेप मसल्स को इंक्रीज करता है ताकि उसकी शेप की अच्छी पर्सनैलिटी हो मीन डिफरेंट एक्टिविटीज के द्वारा मीन मसल्स की स्ट्रेंथ को इंक्रीज किया जा सकता है। वेट ट्रेनिंग के द्वारा मसल्स की स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर सकते हैं और अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आपकी जो सिंगल से सिंगल मूवमेंट है उसका रिजल्ट आपके क्या है मसल्स हेल्प करती है मसल्स आपके कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करती है राइट। मैनी ऑफ मसल्स वर्क ऑफ अंडर अवर कंट्रोल एंड वी मेक ऑफ यूज ऑफ देन और वी वॉक टेक पार्ट इन स्पोर्ट्स एटीसी और कुछ मसल आपकी क्या है इच्छा के अनुसार कार्य करती है अपने कंट्रोल में रह के कार्य करती है और कुछ मसल्स अनकंट्रोल है वो अपने काम कंटिन्यू करती रहती है। दीज आर कॉल्ड ऑफ स्केलेटल एंड वॉलेंटरी मसल और जिसको बोलते हैं मीन स्केलेटल मसल या फिर वॉलेंटरी मसल जो हमारी इच्छा के अनुसार जो हमारे कंट्रोल में है उसको हम क्या बोलते हैं स्केलेटल मसल या फिर वॉलेंटरी मसल। अदर मसल ऑफ स्मूथ एंड कार्डियक मसल इज नॉट ऑफ अंडर कंट्रोल और जो आपकी कार्डियक मसल है स्मूथ मसल है वो हमारे कंट्रोल है जो मीन कंटिन्यू कार्य करते रहते हैं विदाउट परमिशन या फिर अनकंट्रोल हो सकते हैं। देर आर द फाउंड ऑफ स्टोमच यूरेटियर वॉल्स ऑफ द ब्लड वेसल्स एंड दे हैव बी वेरी स्पेशलाइज्ड टाइप्स ऑफ इनवॉलेंट्री मसल्स कार्ड ऑफ कार्डियक मसल्स और जो हार्ट के मसल्स है उसको क्या है इनवॉलेंट्री मसल्स या कार्डियक मसल्स बोलते हैं जो हमारे हार्ट के अंदर कंटिन्यू काम करती है ब्लड का सर्कुलेशन करती रहती है राइट। तो आपकी जो सिंगल से सिंगल मूवमेंट है वो आपकी मसल से रिस्पॉन्सिबल है और टोटल मसल बॉडी की बात करते हो 639 राइट। और अपनी वेट ट्रेनिंग के द्वारा अपने डिफरेंट एक्टिविटीज के द्वारा लॉन्ग रनिंग के द्वारा या फिर मैक्सिमम वेट ट्रेनिंग के द्वारा मसल स्ट्रेंथ को इंक्रीज किया जा सकता है और एक पर्सनैलिटी को भी इम्प्रूव कर सकते हैं और ब्लड का मीन जो मसल्स का सिस्टम है मस्कुलर सिस्टम है वो इम्पोर्टेंट है और इसके डिफरेंट फंक्शन है आगे फंक्शन देख लेते हैं। फंक्शन ऑफ मसल फंक्शन ऑफ मसल Some of muscles for providing structure provide structure muscles provide proper shape and structure of individual thus help of maintain of posture mean एक प्रोवाइड स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर में उसकी शेप उसका साइज एक अच्छी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं आपकी मसल्स मीन एक अच्छी पर्सनैलिटी के लिए क्या है मीन हम वेट ट्रेनिंग कर सकते हैं या फिर डिफरेंट प्रकार की एक्सरसाइज कर सकते हैं जिसके अंदर हम मीन एक अच्छी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव किया जा सकता है और साथ में एक अच्छी शेप गुड शेप दी जा सकती है। सेकेंड प्रोवाइड एफर्ट प्रोवाइडेड एफर्ट The work of effort of arm active of liver and body various of bone of active liver. Yes, mean providing effort. एक effort करने में help करती है आप किसी भी काम को करने के लिए mean responsible है आपकी muscles. For example, किसी भी छोटे से छोटे काम को करते हैं तो आपकी muscles के द्वारा movement होती है muscles के द्वारा उस object को उस function को कंप्लीट कर सकते हैं या फिर आसानी से उस काम को पूरा कर लिया जा सकता है। फॉर एग्जांपल अगर जैसे हमारे पास टेबल है अगर टेबल को हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं तो मेन क्या है मसल्स के द्वारा हम मेन इसके अंदर इसको उठा सकते हैं या फिर इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपकी हैंड्स की
जो आपकी लॉन्ग मसल्स है, वॉलंटरी मसल्स है, उससे उसके अनुसार हम कार्य कर सकते हैं। या फिर हमारी जो कंट्रोल मसल्स है, कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर स्केलेटन मसल्स है जो हमारे कंट्रोल नहीं है। ब्रिंग एक्सटर्नल मोमेंट, ब्रिंग एक्सटर्नल मोमेंट, दे प्रोवाइडेड एक्सटर्नल मोमेंट टू इंडिविजुअल ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल्स। और कोई भी एक्सटर्नल फोर्स के लिए आपकी हेल्प करती है मसल, किसी भी एक्सटर्नल फोर्स जहां पर लगानी है, किसी भी स्पोर्ट्स के अंदर या भी किसी भी कंप्लीट फंक्शन को करने के लिए हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं और उस काम को पूरा कर लेते हैं। तो आपकी ब्रिंग एक्सटर्नल मूवमेंट, एक एक्सटर्नल मूवमेंट में हेल्प करती है आपकी मसल। फॉर हेल्प इन फ्लूइड मूवमेंट, मसल्स आल्सो प्रोवाइडेड इंटरनल फ्लूइड ऑफ मूवमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स। जो इंटरनल फ्लूइड है बॉडी के अंदर, जैसे ब्लड का सर्कुलेशन है, या फिर अदर जो आपके मीन्स फ्लूइड और फ्लूइड के अंदर लिक्विड है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड, या फिर उसको ट्रांसपोर्ट का कार्य करती है, उसको मीन्स एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का काम करती है, मीन्स हेल्प टू फ्लूइड ऑफ मूवमेंट, उस फ्लूइड को मूवमेंट में हेल्प करके आपकी मसल। फोर्सफुल एक्शन, फिर फोर्सफुल एक्शन, स्केलेटल मसल प्रोवाइड द फोर्सफुल एक्शन मूवमेंट ऑफ बॉडी एज दे हेल्प इन स्ट्रेंथ, स्पीड एंड इनर्वेंस। और साथ में फोर्सफुल एक्शन में हेल्प करते हैं। अगर फोर्सफुल एक्शन की बात करते हैं, हमारे पास स्ट्रेंथ, स्पीड एंड इंडोरेंस। राइट, तो जो फोर्सफुल एक्शन में हेल्प करती है स्ट्रेंथ, स्पीड एंड इंडोरेंस। जैसे हम वेट ट्रेनिंग करते हैं, तो आपके अगर मसल्स के अंदर स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना है तो मीन वेट ट्रेनिंग है। अगर स्पीड, स्पीड के अंदर अगर आपके बॉडी के अंदर मसल्स के अंदर वाइड मसल फाइबर है, तो आपका क्या है कॉन्ट्रेक्शन फास्ट होगा, या फिर तेज गति के साथ दौड़ सकते हैं। और उसी के अकॉर्डिंग बॉडी के अंदर आपके रेड मसल फाइबर है, तो आपको क्या है एंडोरेंस एबिलिटी ज्यादा होगी और सहनशीलता बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। तो फोर्सफुल एक्शन में काम करके आपकी मसल। Provide protection, skeletal muscle provided the forceful movement of, skeletal muscle provided protection and bones and other internal organs। और साथ में एक बचाव का कार्य करती है, एक सेफ्टी के रखने का कार्य करती है, आपकी जो टेंडेंट है, लिगामेंट है, बोन है, लेकिन उससे पहले इसको बोन को कवर कर लेती है और जो आपके इंटरनल ऑर्गेन्स है उसको बचाने का काम करती है आपकी मसल्स। ब्रिंग हार्ट कॉन्ट्रैक्शन, सेवन ब्रिंग हार्ट कॉन्ट्रैक्शन, और साथ में जो हार्ट मसल्स है, जिसके अंदर आपकी कार्डिक मसल्स है, वो आपके हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करती है, जो पूरी बॉडी के अंदर ब्लड सप्लाई करने का काम करता है, जिसके अंदर बोल सकते हैं इनवॉलेंट्री मसल्स, जहां पर मेन अनकंट्रोल है वो कंटिन्यू अपना कार्य करती रहती है, वो हेल्प करती है ब्रिंग हार्ट कॉन्ट्रैक्शन, हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करती है। राइट, तो इम्पोर्टेंट पार्ट है मसल्स के अंदर। मसल्स के अंदर हम
ब्रिंग एक्टिव लाइफ, ब्रिंग एक्टिव लाइफ, दे हेल्प ब्रिंग एक्टिव लाइफ ऑफ इंडिविजुअल बाय द एक्शन ऑफ मसल। अगर बॉडी के अंदर मसल की स्ट्रेंथ अच्छी है, एंड्योरेंस पावर अच्छी है और अच्छे से उसके अंदर उसको मेन एक स्ट्रॉन्ग मसल है, तो क्या अपने इंडिविजुअल पर्सनैलिटी को भी इम्प्रूव करती है, साथ में एक एक्टिव लाइफ किसी भी काम को आसानी से कर सकते हैं और अपनी लाइफ को एक्टिव बना सकते हैं और डिफरेंट एक्टिविटीज को आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। तो आपके जो कंप्लीट फंक्शन है प्रोवाइड स्ट्रक्चर एक शेप का कार्य करती है, फिर एक अच्छे से ब्रांडिंग कार्य करती है, प्रोवाइड एफर्ट राइट, ब्रेन एक्सटर्नल मूवमेंट, हेल्प टू फ्लूइड मूवमेंट, फोर्सफुल एक्शन के अंदर कार्य करती है, और राइट प्रोटेक्शन एक बचाव कार्य करती है टेंडन लिगामेंट एंड बोन्स का, ब्रिंग हार्ट कॉन्ट्रैक्शन और ब्रिंग एक्टिव लाइफ, और एक्टिव लाइफ इसे बनाई जा सकती है। तो आपकी कंप्लीट क्या ये मेन मसल सिस्टम के अंदर टाइप्स ऑफ मसल्स और फंक्शन ऑफ मसल्स हम कंप्लीट कर चुके, फंक्शन ऑफ मसल्स और सोमोलैक्ट मसल्स इन आवर बॉडी। तो आपकी सोमोलैक्ट मसल्स जिसके अंदर टंग की मसल होती है, माउथ के अंदर होती है सोमोलैक्ट मसल्स, नाम साइज मेरे को याद नहीं है अभी, और लॉन्गेस्ट आपकी सार्टोरियस और लार्जेस्ट आपकी ग्लूट्स मैक्सिमस, और टोटल मसल इन बॉडी 639, और हर इंडिविजुअल के अंदर डिफरेंट प्रकार की मसल्स होती है, सिक्स नहीं आपकी 639 है, लेकिन 600 से 650, 600 से 650 प्रकार 650 मसल बॉडी के अंदर मिलती है, और हर इंडिविजुअल के अंदर डिफरेंट होती है, किसी के अंदर स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, किसी के अंदर कम होती है, तो आपकी मसल्स के ऊपर डिपेंड है। अगर मसल्स के अंदर आपकी पावरफुल है, स्ट्रांग है, तो क्या है उसके अंदर एक्शन पावरफुल मिलेगा, अगर किसी के अंदर वीकनेस मसल है तो किसी भी काम को किसी भी एक्टिविटीज करने में परेशानी होती है, या फिर किसी भी उस ज्वाइंट्स के अंदर या फिर उस मसल्स के अंदर पेन होने लगता है राइट। और इसी के अकॉर्डिंग अगर इसके अंदर इंजरी की बात करते हैं तो डिफरेंट प्रकार की इंजरी देखने को मिलती है, जैसे स्ट्रेन एंड स्प्रेन, मसल से रिलेटेड इंजरी देख लेते हैं, मसल इंजरी स्ट्रेन स्ट्रेन है वो आपकी मसल को इंजरी है, मसल को इंजरी, और जो आपकी स्ट्रेन है वो आपकी लिगामेंट इंजरी है, लिगामेंट इंजरी राइट, स्ट्रेन मसल को इंजरी एंड स्ट्रेन आपकी लिगामेंट इंजरी, जो इंपॉर्टेंट है आपकी मसल से रिलेटेड है। अगर किसी मसल्स के अंदर खिंचाव आ जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेन STARIN, बट जहां पर अगर स्ट्रेन है वो आपकी लिगामेंट इंजरी है, जहां आपको आपको कवर कर लेती है मसल्स और लिगामेंट इंजरी से कम चांसेस देखने को मिलते हैं। राइट, अगर बात करते हैं जैसे अभी इसी के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंस ऑफ या फिर फंक्शन ऑफ मसल, उसी के अकॉर्डिंग आपका टाइप्स ऑफ मसल, टाइप्स ऑफ मसल थ्री टाइप्स, इनवॉलेंट्री मसल्स, वॉलेंट्री मसल्स एंड कार्डियक मसल्स। चलिए इसी पार्ट के अंदर हम ओनली व्हाट इज मस्कुलर सिस्टम रिलेटेड टू मसल्स एंड टोटल मसल इन बॉडी 639, उसी के अंदर डिफरेंट प्रकार के फंक्शन है जो हमारे किसी भी एक्टिविटीज को पूरा करने के लिए, किसी भी काम को पूरा करने के लिए हेल्प करती है। मीन विदाउट मसल्स कोई भी मूवमेंट नहीं कर सकते, सिर्फ बोन के हमें सपोर्ट देती है, लेकिन मूवमेंट प्रोवाइड नहीं करवाती आपकी मसल्स, आपके हमेशा बोन क्या है सपोर्ट देती है, उसको सहारा देती है। जैसे अगर किसी प्रकार की एक करेक्ट मूवमेंट के लिए हेल्प करती है आपकी बोन, और उसके अंदर अगर जो आपकी मसल्स है वो सिंगल से सिंगल मूवमेंट प्रोवाइड करवाती है बॉडी के अंदर, और किसी भी वर्क को इजी बनाने के लिए या फिर किसी को पूरा करने के लिए इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है आपकी मसल्स राइट। ओके,
फिर मिलेंगे सेकंड पार्ट में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, कलरफुल डे।